दोस्तों, किंग तुतांखामुन के सारकोफागस को उसके टूम से निकालने के 3 साल बाद खोला गया था और इसके अंदर जो मिला उसे देखकर वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। सबसे पहले इसके ऊपर के कवर को हटाया गया तो उसके अंदर कॉफिन को कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। हावर्ड कार्टर ने इसे बड़ी सफाई से हटाया तो उसे इसके नीचे दूसरा कॉफिन मौजूद मिला जो कांच और दूसरे कीमती रत्नों से जड़ा था। जब इस सेकंड कॉफिन को हटाया गया तो इसके नीचे एक और कॉफिन मिला जो रेजिन जैसे गाढ़े पदार्थ से ढका था। कार्टर ने हीट केमिकल और हथौड़ों की मदद से इसे बड़ी सावधानी से हटाया। ये कॉफिन पूरी तरह से सॉलिड गोल्ड से बना था और इसमें बेस कीमती रत्न जड़े थे। इसमें अकेले तूतनखामुन की मम्मी के ऊपर लगे डेथ मास का वजन ही 10 किलोग्राम था। इजिप्ट में पाए गए सभी खजानों में तूतनखामुन का खजाना सबसे बड़ा है। टूम में पाए गए सभी सोने से बनी वस्तुओं का कुल वजन 1200 किलोग्राम है।